समस्त क्षेत्र अलग अलग होने पर भी क्षेत्र सभी में एक ही है ना। प्रमाता अलग है परंतु साक्षी अथवा तुम्हारा अंतर्यामी एक ही है सभी में। इस प्रकार से ईश्वर अपने को क्षेत्र रूप में कहते हैं, जो क्षेत्र को जानते हैं उसको क्षेत्र बोलते हैं। मैं तो अपने शरीर को जानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, मैं अपना शरीर को जानता हूँ, क्षेत्र को जानने वाला मैं हूँ। परंतु भगवान बोलते हैं नहीं मैं हूँ, तो दोनों जो मैं हूँ मतलब दोनों मैं भिन्न नहीं है, एक अभिप्राय सिद्ध होता है। तो यदि ऐसे ही है सभी में तो हमको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर की योग्यता की कमी है। तो योग्यता को जिस योग्यता को प्राप्त करने से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो अमान्य तौदम भित्व आदि 20 योग्यता को यहाँ पे बताया गया है। इस 20 योग्यता को बताने के बाद इसके अंदर योग्यता अगर जिस वस्तु को जानेंगे, अब भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि उस वस्तु के बारे में ज्ञेयम जब तक प्रवक्षामी यज्ञता अमृतमस्त, जिससे तुम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। तो सभी व्यक्ति दुखों से तो छूटना चाहते ही है, पर फिर बोलते हैं क्या है वस्तु, अनादिमत परम ब्रह्म जो आदि वाला नहीं है। इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ व्यापक तत्व है वो सत अथवा असत रूप से नहीं कहा जाता, उसको मतलब विधि मुख से अथवा निषेध मुख से किसी भी प्रकार उसको प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। जिसको कार्य कारण भाव में प्रतिपादन किया नहीं जा सकता है ये वो वस्त्र है। अरे हमारे पास तो सारा बुद्धि कार्य कारण रूप में दिखाई पड़ता है सारा सृष्टि, तो यानी कि इस प्रकार की कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसा शंका होने पर तब वो ऐसी बात नहीं है, जितने सारे आपको हाथ पैर व्यवहार जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो जिसके रहने के कारण हो पाता है वो तत्व नहीं है, ये आप नहीं शंका कर सकते। अवश्य उसके बिना
चेतन की अधिष्ठात्री बिना जड़ में पवित्र प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं उसको दिखाने के लिए यहाँ पे ये श्लोक कर लिए थे ना, सर्वतः श्लोक पढ़े थे सर्व एक साथ मिल करके सर्वतः पाणि पादं तः सर्वतो शिशोमुखं सर्वतः श्रुतिमद् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो जितना हाथ पैर है समस्त हाथ पैर वाला वो तत्व है, जितना आँख है जितना मुख है सब उन्हीं का ही है, फिर जितना श्रवण इंद्रियों कहीं भी आपको दिखाई पड़ते हैं सब मतलब उन्हीं के रहने के कारण ही ये सब व्यापार कर पाते हैं, क्योंकि वो सबको अपने में आवृत करके मतलब सबको अपने में घेरे में ला करके विद्यमान रहते हैं, अंदर बाहर सभी जगह पे वही निर्विशेष व्यापक तत्व विद्यमान है, तभी जा करके इसे व्यवहार कर पाते हैं। तो देखिए कल इसका उपलब्ध पढ़ लिए थे एवं हंस में मधुसांस्कृतिक वृत्ति में एवं निरुपाधिक ब्रह्मणा जो निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म है सत शब्द प्रत्यय और विषयत्वात् ये ऐसा है ये ऐसा है, इस प्रकार की प्रत्यय मतलब शब्द प्रत्यय शब्द प्रयोग के विषय नहीं होने के कारण शब्द प्रयोग कहाँ पर कहाँ कहाँ पे होता है चार जगह पे कौन कौन जाति गुण क्रिया संबंध अगर हो तो वहाँ पर शब्द प्रयोग होना संभव है, परंतु इसमें ना जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना किसी के साथ संबंध रखता है, इसलिए शब्द प्रयोग के द्वारा इसको समझाया नहीं जा सकता। सब शब्द प्रत्यय अविषयत्व अविषयत्व असत्य आशंका यानी कि जिसको आप नहीं कह सकते हैं आपको आपका शब्दों के तरह जिसको नहीं कहा जा सकता इस प्रकार का वस्तु है ही नहीं, जिसको देखा नहीं जा सकता उस प्रकार का वस्तु है ही नहीं, इस प्रकार शंका हमारे अंदर होते हैं है ना, जिस प्रकार आकाश को सुख किसी ने देखा नहीं है ही नहीं वो किसी न असत इति अनेन अपास्ताया, परंतु वहाँ पे तत्सत तब न असत उच्चते परंतु असत भी नहीं है बनता पुत्र आकाश को सुख द्वारा असत भी नहीं है, इस शब्द के द्वारा इस शंका के निराकरण तो कर दिया परंतु मन में बैठा नहीं हो उसको सत रूप में ग्रहण नहीं होता और फिर वो तो असत भी नहीं कैसे हो सकता है, उसको स्पष्टीकरण देने के लिए अंदर है विस्तार ही न था आशंका निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक उस आशंका को निराकरण करने के लिए सर्व प्राणी करणों उपाधि द्वारे न समस्त प्राणियों की करण मतलब इंस्ट्रूमेंट है मतलब बहिर्करण अंतकरण ये समस्त करण उपाधि को माध्यम उस करण को ही उपाधि और उसी को माध्यम बनाकर जो करण है वही उपाधि समस्त प्राणियों की जो इंद्रिया है वही उपाधि है उस उपाधि को माध्यम बना करके चेतन क्षेत्र रूपतया तद अस्तित्व नहीं करणों में व्यापार कोई चेतन तत्व के अधिष्ठातृत्व बिना होना संभव नहीं है, उठार अपने आप पैर को नहीं कर सकता कोई चेतन तत्व उसको चलाता है, इसी प्रकार से चेतन क्षेत्र रूपतया तद अस्तित्व चेतन क्षेत्र के रूप में उसके अस्तित्व को प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं क्या कहते हैं सर्वतः पाणि पादं। अब देखिए सर्वतः मतलब क्या हो गया सर्वेषु देहेषु समस्त शरीरों में पाणयः पादाश्च हाथ और पैर समस्त शरीर में कितने हाथ पैर हो जाएंगे इसलिए भोजन पाणयः पादाश्च और हाथ और पैर चेतन है क्या चेतन है अचेतन है हाथ और पैर अचेतन है क्योंकि तो भौतिक वस्तु है भौतिक वस्तु जड़ होते हैं, इसी प्रकार से पाद पाणयः पादस्य अचेतनः अचेतन है स्वस्य व्यापारेषु अपने अपने व्यापारों में हाथ के द्वारा आदान और दान आदान ग्रहण और त्याग होता है और पैर के द्वारा चलना फिरना होता है स्वस्य प्रवर्तनीयः प्रवर्तन करते हुए जस्य चेतनस्य क्षेत्रज्ञ जिस चेतन क्षेत्रज्ञ के लिए हो पाते हैं तत् वो है तत् सर्वतो पाणिपादं ज्ञेयं ब्रह्म, ठीक है ना, समस्त शरीरों में अचेतन हाथ और पैरों का अपने अपने व्यापारों में जो प्रवर्तन होना जो प्रवृत्ति होना वो जिसके रहने के कारण हो पाता है जस्य चेतनस्य क्षेत्रज्ञ जिस चेतन क्षेत्रज्ञ के कारण होता है तत् वो क्षेत्र का सर्वतः पाणि पादं वही हर जगह पे हाथ पैर वाला है, इस प्रकार से वही ज्ञेय ब्रह्म है ये समझना चाहिए। क्यों सर्वे सर्व अचेतन प्रवृत्ति नाम
चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वा तस्मिन् क्षेत्रज्ञ चेतने ब्रह्मणि के सर्व अचेतन वर्ग प्रवृत्ति हेतु नास्ति नास्तिता आशंका इति अर्थ। कितना सुंदर, नास्ति नास्तिता आशंका, भय नहीं, इस प्रकार की आशंका होना ही नहीं चाहिए। नास्तिता आशंका है ना, भय नहीं, इसकी आशंका नास्ति, हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि सर्व अचेतन प्रवृत्ति ना समस्त जगत जो है तन्मात्रा और भूत से उत्पन्न है, संपूर्ण जगत जो है जड़ है, और वो जड़ में चेतन अधिष्ठाता के बिना प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। चेतन अधिष्ठान पूर्वक अर्थात कोई चेतन अधिष्ठान रहने के कारण ही, वो चेतन अधिष्ठान कौन है, तस्मिन् क्षेत्रज्ञ चेतने, मतलब वो चेतन अधिष्ठाता क्या हो गया, और ये सब शब्द में है, वो चेतन क्षेत्रज्ञ ज्ञेय ब्रह्म होने के कारण ही, तस्मिन् क्षेत्रज्ञ वो क्षेत्रज्ञ चेतन ब्रह्म ज्ञेय सब शब्द में ऐसा होने पर ही सर्व अचेतन वर्ग प्रवृत्ति हेतु, जो क्या है, संपूर्ण अचेतन जगत की प्रवृत्ति के लिए हेतु है, ऐसा होने पर, एक सभी शब्द में है मतलब ऐसा होने पर, ऐसा होने पर क्या हो गया, तब देखो सब तस्मिन् क्षेत्रज्ञे चेतने ब्रह्मणि ये सर्व अचेतन वर्ग प्रवृत्ति हेतु, सारा शब्द में एक वचन है, सारा शब्द में एक वचन है ना, ये शब्द में किस दिया कि ऐसा होने पर ही ये होना संभव है, ऐसा होने सब शब्द में बोलते हैं कंडीशनल अर्थ में है। तस्मिन् क्षेत्रज्ञे चेतने ब्रह्मणि ज्ञेय सर्व अचेतन वर्ग प्रवृत्ति हेतु, समस्त अचेतन वर्ग की प्रवृत्ति के हेतु रूप वो क्षेत्रज्ञ चेतन ब्रह्म ज्ञेय वस्तु वहाँ पे विद्यमान होने के कारण ही होना संभव है, इसलिए उसकी नास्तिकता की आशंका होना संभव नहीं है। नास्ति नास्तिकता आशंका है ना, नास्ति नास्तिकता आशंका, ठीक है, नहीं लिखा है ना आपके पुस्तक में, हमने मतलब नहीं होने की जो आशंका वो होना संभव ही नहीं है। एवं इसी प्रकार से सर्वतोक्षिणी है ना, अक्षिणी न्यूटर है, अक्षिणी सर्वतोक्षिणी शिरांशी मुखानी चदस्य, जिनकी आँख हाथ पैर, तो पहले बोलते हैं जैसे हाथ आँख मुख और सर चारों तरफ है, जिसका सब बहुत बड़ी समझ है, जिसका आँख मुख और सर चारों तरफ, सर्वतोक्षी शिरोमुख चारों तरफ, अक्षी मतलब आँख, शिव मतलब सर और मुख मतलब मुँह, जिसे बोलते हैं सर्वतो अक्षिणी शिरांशी मुखानी च जस, जिसका है ना, जिसका सारा आँख सर और मुँह, जिसका मतलब ऊपर के पर्सन शरीर के, जस प्रवर्तन यानी जिसके रहने के कारण ये सब प्रवर्तन, जिसके रहने के कारण ये सब प्रवृत्त होता है, तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम, वो तत्व जो है मतलब वो जो निर्विशेष तत्व, देखिए वो निर्विशेष तत्व कोई उपाधि के माध्यम से क्या बोलता है, हर जगह पे आँख सिर और मुख वाला, हर प्रकार के हाथ और पैर वाला जो है ना, वो कैसे कैसे है तो उस जीव का, हमारा ही हाथ पैर को चलाने के लिए जो चेतन तत्व तो बैठा हुआ है वो हो गया क्या, इस प्रकार के हाथ वाला, इस प्रकार के मुख वाला, कोई जो अंतर्यामी ब्राह्मण आता है मृदानक उपनिषद में, जब पृथिव्यम तिष्ठम पृथिव्य अंतर, जब पृथ्वी ना वेद जस पृथ्वी शरीर, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, पृथ्वी जिसका शरीर, जब पृथ्वी अंतरम जमयति ये शत आत्मा अंतर्जम्य अमृत, ये अंतर्जम्य रूप में अंतर्जम्य ब्राह्मण में वेदांत ऐसा हुआ है, जब पृथिव्यम तिष्ठम, जब पृथ्वी का अंदर विद्यमान है, जब पृथ्वी ना वेद, जब पृथ्वी भिन्न, जो पृथ्वी से भिन्न भी है, जिसको पृथ्वी देवता भी नहीं जानता, देवता भी इसको नहीं जानता था, जब जब जस पृथ्वी शरीर, जिसका शरीर ही पृथ्वी है, और जो पृथ्वी में अंदर रह करके पृथ्वी को नियमन करते रहता है, ये शत आत्मा यही तुम्हारा अंतर जाने आत्मा, ऐसे यहाँ पे दिखाए, जब विज्ञान स्थान विज्ञान जब विज्ञान ना वेद जस विज्ञान शरीरम ये शत आत्मा, मतलब ये जीवात्मा को लेकर विज्ञान शरीर को लेकर के बोलते हैं कि जो इसका अंदर बैठा हुआ है, जिसको विज्ञान जीवात्मा जिसको नहीं जानता है, इस शरीर जिसका शरीर है, जीवात्मा की शरीर ही उसका शरीर, अंतर्जमी का शरीर है, क्यों, अंतर्जमी अंदर बैठ करके जीवात्मा के हाथ पैर को चलाने के लिए वही मदद करते हैं, इसलिए अभी बोलते हैं कि जस्य प्रवर्तन यानी तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम एवं, इसी प्रकार से सर्वत श्रुतय सन्ति
हर तरह को जिसकी श्रवणेन्द्रिया विद्यमान है, श्रवणेन्द्रियानि दस्य प्रवर्तनीय तीन सन्ति, श्रवणेन्द्रिया जिसकी द्वारा चालित होकर ये विद्यमान रहते हैं, प्रवर्तनीय तीन सन्ति जिसके द्वारा चालित होते हुए विद्यमान रहते हैं, तत् सर्वतो श्रुतिमल लोके, वही जो है हर स्तुति वाला होते हुए विद्यमान, इस लोक में विद्यमान रहता, कहाँ लोके मतलब सर्व प्राणी निकाय समस्त प्राणी समूह में विद्यमान रहता है। तो क्या हो गया, एकम एव नित्यम विभुच सर्वम अचेतनम वर्गम आवृत्त, ठीक है ना। देखो शरीर उपाधि सब अलग अलग होते हुए भी, चाहे वो हिरण्यगर्भ शरीर हो, चाहे चींटी शरीर हो, चाहे मनुष्य शरीर हो, चाहे देवता शरीर हो, चाहे पशु शरीर हो, समस्त शरीरों में कोई चेतन तत्व तो एक ही है, चेतन नहीं है, यानी शरीर अलग अलग है, अंतकरण अलग अलग है, परंतु उसका अंदर जो शुद्ध चेतन तत्व है वो एक ही है। एकम एव, एव मतलब है विजातीय भेद, संगत भेद भी नहीं है, वो कैसे है, नित्य भी है और हमेशा, चाहे मतलब कि शरीर कितना भी परिवर्तन कर ले परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यभिचार नहीं होता, वो नित्य है, वो विभु है, व्यापक है। सर्वम अचेतन वर्गम आवृत्त, सर्वम आवृत्त दृष्टि शब्द, जितना जड़ात्मक ये सृष्टि है समस्त जड़ात्मक इस सृष्टि को आवृत करके मतलब ढाक करके, देखिए आवृत शब्द करते लिखते हैं स्वशब्दया स्फूर्त्या च आध्यासिकेन सम्बन्धेन व्यापतिष्ठति, आवृत्त शब्द का आवृत मतलब सामान्य क्या होता है, ढक करके, आवृत्त ढक करके, ढकना क्या हो गया, अपनी सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा समस्त जड़ जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए वो विद्यमान रहता है, वो विद्यमान रहता है, इसलिए ये समस्त जड़ जगत ही उसकी समझने के लिए जगह है। स्वसत्वया अपनी सत्ता के द्वारा स्फूर्त अपनी स्फूर्त के द्वारा च, आप वो तो उसी के साथ संबंध नहीं करता, क्या बोलते हैं च आध्यासिक न संबंध, आध्यासिक तादात्म संबंध के द्वारा, है ना, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता, फिर भी अलग रहते हुए भी जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सर्प के साथ रज्जु का कोई संबंध नहीं होता, होता नहीं होता, परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को सत्ता स्फूर्ति कौन प्रदान कर रहा है, रज्जु, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को अथवा सुक्ति में दिखाई दे रहा है रजत को सत्ता स्फूर्ति कौन प्रदान कर रहे हैं, वो अधिष्ठान सुक्ति, परंतु उस सुक्ति के साथ रजत का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे परंतु उस रजत के मत होने के कारण ही आप जाकर के सुक्ति का कौन को प्राप्त कर सकते हैं, सुक्ति के कारण रजत, रजत दिखाई पड़ता है नहीं, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको सुक्ति के में भ्रांति हुआ परंतु वहां पे कोई वस्तु सुक्ति के ऊपर रजत भ्रांति हुई, परंतु आप उसको देखकर उस तरफ जाते हैं, दृष्टांत दृष्टांत में इतना भिन्नता करेंगे, उस भ्रांति का नुकसान है, राजदेश व्यवहार होता है, परंतु यहाँ पे जब आप इस आत्मा के ऊपर शरीर की भ्रांति हुई परंतु शरीर का अवलंबन करके ही आप अंदर की ओर जाओ तो आपका आत्मा प्राप्ति होगा, है ना, तद तत्पदनीय भेदन भय, वो यही एक मत, तो जैसे गाय के पद चिन्ह को देख करके हम गाय तक पहुंच जाते हैं, जंगल में गाय कहीं खो गया उसके पद चिन्ह को देख करके हम गाय को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उस शुद्ध चेतन आत्मा की चेतनता के चिन्ह को देख करके शरीर चेतन की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मन चेतन की तरह, तब तो हम उसके अंतर में होते हैं तो हम शुद्ध चेतन प्राप्त हो जाते हैं, भेदन भय आत्मा इत उपासित हो सके। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एकम एव नित्यम विभुं च सर्वम अचेतनम वर्गम आवृत्त, आवृत्त शब्द का अर्थ कर दिया स्वशक्तया स्फूर्ता च आध्यासिकेन सम्बन्धेन व्याप्य, आध्यासिक संबंध के द्वारा व्याप्त करके, है ना, संबंध वास्तविक नहीं है शरीर के साथ आत्मा, परंतु शरीर आत्मा को शरीर अध्यास हुआ है, इस आध्यासिक संबंध को शास्त्र ने काम में लाया, शास्त्र की सबसे सुविधा क्या है, शास्त्र नया कुछ करने के लिए नहीं बोलता, जो आपने कर रखा उसको अवलंबन करके इतना हिस्सा छोड़ समझ में आएगा, ये सबसे वेदांत की सुविधा है, क्योंकि वेदांत तो हमारे बारे में बोलता है दूसरे के बारे में नहीं बोलता, वेदांत तो जो सप्तम सप्तम सर्ग में बैठा हुआ है इसके बारे में वर्णन नहीं करता, वेदांत तो वर्णन करता है यहाँ पे बैठे यहाँ पे इस समय विद्यमान तत्व के बारे में कथन करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आध्यासिक संबंध है ना व्याप्य, उसको व्याप्त करके तिष्ठति, हो गया आवृत्त तिष्ठति, सर्वम आवृत्त तिष्ठति,
निर्विकारम एव स्थिति लभते, परंतु उसके अंदर निर्विकारत्व की कोई परिवर्तन नहीं होता, निर्विकार स्थिति में विद्यमान रहते हैं। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यदि किसी के साथ संबंध करेगा तो संबंध से उसके अंदर विकार होगा, वो तो संबंध आध्यासिक है, इसलिए बोलते हैं न तो स्व अध्यस्तस्य जड़ प्रपंचस्य दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेन अपि संबद्धते इति अर्थ। ठीक है, तू परंतु अपने सत्ता स्फूर्ति के द्वारा संपूर्ण जड़ात्मक जगत को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी, ठीक है ना, इस प्रकार मरुभूमि की पानी उस उतना सुंदर तालाब को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी, जब दिखाई देते हैं ना एक सुंदर तालाब है वहां पे, तो मरुभूमि के बालुका जैसे मरुभूमि के अंदर एक सुंदर तालाब को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी उस मरुभूमि के पानी से वो बालुका कभी गीला नहीं होती है, कभी भी गीला नहीं होता। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं कि न तो स्वाध्यस्थ जड़ प्रपंचस्य दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेन अपि संबद्धते, अनुमात्र के उसके साथ संबंध नहीं होता इति अर्थ। यथाच सर्वेषु देहेषु एकम एव चेतनम नित्यम च न प्रतिदेहम भिन्नम तथा प्रपंचितम प्राप। इस प्रकार से जैसे समस्त शरीरों में सर्वेषु देहेषु शरीर अलग अलग है, जड़ात्मक प्रपंच अलग अलग है, परंतु उसके अंदर चेतन तत्व एक ही है, इसलिए बोलता है एकम एव चेतनम नित्यम च, एक ही चेतन है और वो चेतन तत्व नित्य है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सारा सृष्टि देखना जो ब्रह्मसत्ता में है, जड़ की सृष्टि उत्पत्ति होते हैं, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती, ये समझ में आया कर, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। गम अतएव ब्रह्मसूत्र में आया है, इसीलिए आत्मा चेतन है, हमें तो अनुभव में आता है कि मैं चेतन हूँ, ये तो निश्चित है। और दूसरी बात क्या है, जितनी सारी सृष्टि है आकाश से लेकर के इंद्रियों में प्राण सब जड़ है, इसलिए जड़ की उत्पत्ति होती है, चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए क्यों, इसीलिए आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए आत्मा चेतन है, ये एक रीजनिंग हमें अनुभव में भी आता है तो रीजनिंग, इसलिए आप बोलते हैं यथा सर्वेषु देहेषु एकमेव चेतनम, समस्त शरीर में एक ही चेतन है और नित्य है, मतलब उत्पत्ति विनाश नहीं है। जब न प्रतिदेहम भिन्न, अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रतीति होने पर भी, परंतु वो चेतन भिन्न तत्व नहीं है। इस प्रकार कई प्रकार के बर्तन आप यहाँ पर रख दीजिए, बोतल आप रख दीजिए, आपको हर एक बोतल में अलग आकाश, आकाश अलग अलग है ऐसा प्रतीति होगी, परंतु आकाश में कभी परिच्छिन्न तत्व होना संभव नहीं है, एक ही आकाश सब में विद्यमान है। इस घर के अंदर भी जो आकाश है, बोतल के अंदर भी होगा, ग्लास के अंदर भी होगा, थर्मस के अंदर भी आकाश, तो कभी परिच्छिन्न होते नहीं है। उपासना के द्वारा प्राण ब्रह्म मन ब्रह्म आदित्य ब्रह्म कई प्रकार को ब्रह्म उपासना आया हुआ, मतलब प्राण को ब्रह्म दृष्टि से चिंतन करो, मतलब क्या हुआ, ये जो आप अपने को परिच्छिन्न प्राण मानते हो ना, ये प्राण को, ये प्राण परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, बस बस इतना ही मौका बिखरा है। तो क्या हो जाएगा, अपनी व्यापकता को समझ, आजकल ये उपासना जो है आजकल सब पौराणिक उपासना आया हुआ है, वैदिक उपासना छूट गया है ना। मन व्यापक है, प्राण व्यापक है, इसीलिए जो मैं अपने को मन खराब हो गया तो मैं दुखी हूँ, मैं प्राण चल नहीं रहा कमी हो, इस प्रकार से जो अपने को परिच्छिन्न मान करके हम सुखी दुखी होते हैं, शास्त्र पहले ही वहाँ पर जो उठानाघात किया, बोलते तुम ऐसे नहीं हो, तुम व्यापक हो, तुम पूर्ण, परंतु आजकल ये उपासना तो होता ही नहीं है। उपनिषद में देखना हर जगह पर जो उपासना की जो वर्णन आया हुआ है, हर उपासना जो है कहीं षोडश कलर ब्रह्म सूरत प्राण की लेकर के अपनी व्यापकता को समझाने के लिए, ये अहम ब्रह्म उपासना। तो यहाँ पे तो प्राण को ब्रह्म रूप में समझना है, प्राण ब्रह्म नहीं है, परंतु ये उपासना क्यों कहा, बोलते हैं इसके द्वारा अपनी व्यापकता को समझो, प्राण उपासना के द्वारा जो परिच्छिन्नता में जो आत्मबुद्धि दृढ़ हो रहा
उसको तोड़ने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए ये उपासना के विधान किया गया है उपनिषदों में। उपनिषदों में जो भी कुछ उपासना आया हुआ है उसका अभिप्राय यही है कि जो परिच्छिन्नता से, क्योंकि आत्मा व्यापक है ये तो सुना परंतु अनुभव में नहीं आता, हमें प्राण तो हमको समझ में आता है और प्राण को भी हमने परिच्छिन्न मान रखा परंतु एक व्यापक वायु पूर्ण रूप है, इस प्रकार से उसको उपासना के लिए कहें। तो उपासना से क्या होता है, परिच्छिन्नता से धीरे धीरे मन उठते हैं और अपनी व्यापकता के ओर मर जाता है, आत्मा एकाग्र भी होता है। प्रतिदिन हम भिन्न प्रत्येक शरीर में ये भिन्न भिन्न प्रतीति होने पर भी वास्तविक ये भिन्न नहीं है, एक है, पूर्ण है, व्यापक है, तथा प्रपंच तो ये कैसे हो सकता है, हमने पहले विस्तार से व्याख्यान करके आया। शुरू से ये बोलते हैं, अब जो बोलते हैं अब अगले कहीं उपोद्घात दे रहे हैं। क्या उपोद्घात है, हमारे वेदांत में एक कहा भी है, श्लोक आता है अर्थारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंच के। और ये क्यों किया गया है कि छात्रों मतलब अज्ञानी छात्रों को समझाने के लिए विद्वानों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। इसका सेकंड लाइन एक है, इसका भी मुझे याद नहीं है, परंतु उसका अर्थ यह है कि अबूझ मतलब नए समाज में आ रहा इस प्रकार की व्यक्ति को समझाने के लिए विद्वानों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। जन प्रक्रिया अध्यारोपण प्रक्रिया को अपनाया। ये बोलते हैं अध्यारोपण, हम लोग विज्ञान में जो पढ़े ना, विज्ञान में जो पढ़ा पाएंगे जो जर और चेतन, जर अलग है चेतन अलग, इधर तो बोला हर में विद्यमान है ब्रह्म, तो वो तो चेतन ही है ना सब कुछ। एक अभी देखिए, एक जगह पे आपने पकड़ा, एक जगह पे नहीं पकड़ा, हरेक को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करती हो विद्यमान है, परंतु इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। विज्ञान जो बोल रहा है जड़ और चेतन अलग के, वो तो गलत बोल रहा है। कौन विज्ञान जो विज्ञान क्या बोल रहा है, नहीं विज्ञान क्या बोल रहा है, एक जड़ है और एक चेतन है, उन लोगों ने दो वस्तु माना, आपको दो वस्तु माना, अब परंतु आप जड़ को कभी भी चेतन से अलग करके नहीं देख सकते हो। अभी विज्ञान ये सिद्ध कर रहे हैं, आप कभी भी किसी भी जड़ वस्तु को चेतन से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि चेतन ही उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। अच्छा, विज्ञान कितना भी कोशिश करे कि जगत के मूल कारण क्या है, कितना भी कोशिश करे, शास्त्र जो बोल रहे हैं वो कभी भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पहुंच नहीं पाएगा। ये चीज को खूब अच्छी तरह से समझना है। हम विज्ञान के अध्ययन के वेदांत में जिस चीज को बताया और विज्ञान से जो एक्सपेरिमेंटल वो मिलते हैं, इन दोनों में सामंजस्यता बहुत है, तो यहाँ एक जगह पे आके विज्ञान को घुटना टेकना पड़ता है। कहाँ पे, क्योंकि जिस तत्व को शास्त्रों ने बताया वो ना कोई इंद्रियों का विषय बनता है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट का विषय बनता है, वो तो शुद्ध मन का ही में वो अभिव्यक्त होता है। इसलिए कोई कोई वैज्ञानिक इसको अनुभव ये होंगे, मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो उसको उस प्रकार से अनुभव नहीं किया जैसा हमारे विषय लोग की, जैसा हमारे श्रीपद माने एक चेतन तत्व है, इसको तो मानने में कोई वो नहीं है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं अध्यारो अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति न्यायम अनुष्ठित, इस युक्ति को अनुसरण करते हुए सर्व प्रपंच अध्यारोपेण अनादिमत परम ब्रह्म इति व्याख्यातम, है ना, समस्त अध्यारोप प्रक्रिया को अपना करके अनादिमत परम ब्रह्म, ब्रह्म अनादि वाला है। संसार में जो भी कोई वस्तु देखता है वो आदि वाला देखता है कि अनादि वाला देखता है, आदि वाला, आकाश से लेकर के जो भी कुछ है सब उत्पत्ति होती है और जो भी देवी देवता है उसका भी उत्पत्ति होती है, सृष्टि, ये सब आदि वाला है। और इससे विलक्षण कौन है, जिस अधिष्ठान को ऊपर दिखाई पड़ती है वो विलक्षण है, तो भी इसके ऊपर अध्यारोपित है सर्वम प्रपंच अध्यारोप, समस्त प्रपंच को उसके ऊपर अध्यारोप के माध्यम से अनादिमत परम ब्रह्म होता है, जिसके ऊपर ये सारा अध्यासित है वो आदि वाला नहीं है। यदि वो उस वो भी आदि वाला होते ना तो उसके ऊपर अध्यासी नहीं होता, उसके ऊपर अध्यासी नहीं होता, एक नित्य वस्तु चाहिए तभी जाकर के तुम परिवर्तन को समझ सकते हो, परिवर्तन से परिवर्तन को नहीं समझा जा सकता, नित्य वस्तु चाहिए, उत्पत्ति विनाशील आपको देखेंगे तब जाकर के उससे पहले होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि आरोपेण आदिमत परम ब्रह्म इति व्याख्यातम अधुना, आप क्या कहना चाहते हैं,
तब अपवादेन जो प्रपंच का हमने आरोप किया था सर्वतोषिशिरोमुखम सर्वतो पानीपातम ये सब जो हमने आरोप किया था उसका भी एक ही देखिए एक ही साथ क्योंकि आपने क्या बोला था सत तन्नाशत उच्चते उसको विधि रूप में निषेध रूप से दो रूप में प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है तो आपने अध्यारोप प्रक्रिया के माध्यम से जड़ वर्ग को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए उसके क्रियान्वित विश्वतन तत्व की तरह होता है वो नहीं है ऐसा शंका नहीं कर सकते परंतु वास्तव में ये सब उसमें कुछ भी नहीं है उसको कहने के लिए अपवाद प्रक्रिया है तद अपवादे न सत न सत न सत न सदुच्यते इति व्याख्यातो इसको व्याख्या करने के लिए आरोहते अभी क्या आरोहते निरुपाधि स्वरूप ज्ञान निरुपाधिक स्वरूप के ज्ञान यहाँ प्रतिज्ञा क्या है निरुपाधिक स्वरूप को व्याख्यान करेंगे उसको ज्ञान करने के लिए अगला श्लोक को बोलते हैं चाहे उसका अस्तित्व को पक्का कर लिया है नहीं दिखाई देने पर भी विद्यमानता है अब जो है तब जब विद्यमानता तब आपने बोला तब तो विराट पुरुष हमको समझ में आएगा विराट पुरुष के रूप में परंतु वो विराट पुरुष के साथ इसका कोई संबंध नहीं है आदि और अनादि तो आदि कैसे हुआ अनादि से ही वो सृष्टि हुआ ना तो उसका उम्र तो एक ही होगा किसका ब्रह्म से जब सृष्टि हुआ तो जो सृष्टि है तो एक ही उम्र का होगा ना जो ब्रह्म और इसका अरे जब कोई पिता से कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता पुत्र का उम्र एक होता है क्या उस माने उस दृष्टि से हम नहीं बोल रहे तो किस दृष्टि बॉडी का उम्र अलग है माने पिता से जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका उम्र तो एक ही होगा ना उसमें तो कोई आदि अनादि है नहीं किस कौन सी उत्पत्ति किसकी हुई है पिता से जब जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई है उस पुत्र के कौन सा हिस्सा उत्पन्न हुआ उसका मैटेरियल जो बॉडी है हाँ तो बॉडी कैसे तो मतलब एक उम्र का होगा नहीं बॉडी का उम्र अलग हो हाँ तो मगर जो मेन चेतन हम और जो चेतन का उत्पत्ति होती ही नहीं है दो चेतन तो है ही नहीं तो इधर आदि अनादि कैसे बोल रहा है आदि तो जिसका जिस जनात्मक प्रपंच की उत्पत्ति होते वो आदिमान है वो जो नाशवान होता है जो उत्पत्ति उत्पत्ति का नाशवान भी होगा तो वो उत्पत्ति कहाँ से आया ब्रह्म से आया आप जो ये जो उत्पत्ति को जो आप कह रहे हो ये उत्पत्ति परिणाम पद को लेकर क्या बोल रहे हो जैसे मृतिका के अंदर घरा विद्यमान हम मानते हैं सत्कार्यवादी शांख दलवादियों में मानते हैं सत्कार्यवाद में जो वो घड़ा मृतिका में पहले भी विद्यमान था तो आप ये बोल रहे हैं इसलिए जो है उस मृतिका की भी जो उम्र है घड़ा का भी उससे उम्र होना चाहिए परंतु ऐसे नहीं है यदि आपके दृष्टिकोण ऐसा होगा तब मृतिका की उम्र मृतिका की है घरा की उम्र अलग है क्योंकि घरा जैसे उत्पत्ति हुआ तब घरा के नाम तब उस समय से उसका जो जिस समय से वो कार्य रूप में आया उस समय से उसको मन माना जाएगा और यदि कारण दृष्टि से देखोगे तो एक ही एक ही है तो दो है ही नहीं तब कार्य कारण दो तो है नहीं वहाँ पे तब कारण भी रूप है जब कारण जब कार्य रूप में दिखाई पड़ता है तो उसका उपयोगिता भी अलग है और उसका समय काल का भी भिन्नता होते हैं परंतु कारण दृष्टि से एक ही है ये परिणाम बात को लेकर के हम बोला वेदांत के परिणाम बात को नहीं मानते हैं विवर्तवाद को मानते हैं विवर्तवाद मतलब होता है अपने में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं करते हुए अन्य रूप में दिखा देना अतात्विक अन्यथा भाव जिस प्रकार आप बताओ रज्जु के ऊपर सर को दिखाई देना ठीक है ना कब दिखाई देते हैं भ्रांति से एक केवल भ्रांति से नहीं जब आप देखोगे तभी वो आपको सर्प रूप में दिखेगा भ्रांति है साथ में जब तक आप नहीं देख रहे थे तब तक वहां पर सर्प नहीं है जब तक आपने वहां पे नहीं देखा वो रज्जु कब से पड़ा हुआ आपको पता नहीं है ठीक है ना आप आते आते रास्ते में आपको रज्जु दिखाई दिया जब आपको रज्जु समझ में नहीं आया तो सर्प भ्रांति कर दिया सर्प भ्रांति हो गया रज्जु तो अनाधिकाल समय पड़ा हुआ है तो जब हमने देखा तब उस सर्प की उत्पत्ति हुई तब उस सर्प की उत्पत्ति भ्रांति से इसीलिए अपर तो अनुसार है नहीं तो उत्पत्ति कहाँ हुई दिमाग में उसको तादात्म्य अभ्यास कर लिया दिमाग में है सर्प सामने है रज्जु इन दोनों को भेद को हम समझ नहीं पाया तो इसके साथ तादात्म्य अभ्यास होकर के सामने सर्प हमको प्रतीति होती है वहां पे एक ही वस्तु इसीलिए वो अनादि है हमेशा ही अनादि रहेगा और दिमाग में जब प्रतीति होती है वो जो है आपके जिस समय आपने देखा तब से शुरू हुआ जैसे जब आपको वहां पे जाके यथार्थ ज्ञान होगा वो उसी रज्जु में लय प्राप्त करेगा
क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलती है कि द क्वांटम क्लॉक्स वेयर देयर इज नो ऑब्जर्वर, मतलब आप जब देखते हो तब वो क्वांटम मतलब वो वस्तु रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब कोई देखने वाला नहीं है तब वो सर्प सर्प ही है, रज्जु कभी रज्जु रज्जु है, कभी सर्प हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं कभी। इसलिए यहाँ पे अनादित्व को समझना है, संसार में सभी वस्तु स्वाभिमान है एकमात्र शुद्ध चेतन को छोड़कर के उसमें, हाँ उसी के ऊपर सारा जगत की प्रतीति होती है। कब होती है? जब हम देखने लगते हैं, तब हम देखने लगते हैं। अब चाहे अपवाद प्रक्रिया में, अपवाद प्रक्रिया में ये बोलते हैं कि क्यों बोलना होगा, क्या सत्ता सत्ता न सदोच्चते, उसको व्याख्यान करते हुए भगवान का अगला श्लोक बोलते हैं। देखिए नंबर 14, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, अशक्तम सर्वभृत् चैव, अशक्तम सर्वभृत् चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं, सर्वेन्द्रिय विवर्जितं, अशक्तं सर्वभृत् चैव, निर्गुणं गुणभोक्तृ च, सर्वेन्द्रिय गुणाभासं, मतलब समस्त इंद्रियों की जो अलग अलग गुण है विषय प्रकाश करने का, और प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषय प्रकाश करने का तरीका भी अलग है, परंतु सबका तरीका अलग अलग होने पर भी उसको प्रकाश करने वाला है जो उसका तरीका अलग नहीं है, वो आकेला केवल विद्यमान रहेगा कि उसको प्रकाश करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं, मतलब समस्त इंद्रिय समूहों की जो भी कुछ मतलब व्यापार होते हैं वो सबको उस रूप में प्रकाशित करते हैं, परंतु अपना कोई इंद्रिय नहीं, क्योंकि पहले क्या बोल के आए थे सर्वत पानी पादम, तो आपको क्या लगेगा सब हाथ पैर उसका है, बोलते नहीं वो अपना हाथ पैर कुछ नहीं है उसका। इसलिए बोलता सर्वे इंद्रिय विवर्जित, समस्त इंद्रियों से रहित होते हुए भी समस्त इंद्रियों के व्यापार के पीछे वही कारण है, संबंध नहीं रखते हुए संबंध नहीं रखते हुए फिर क्या बोलते हैं कि अशक्त सर्वभृत चैव, समस्त भूतों को भरण पोषण करता है परंतु निराशक्त तो कोई संबंध नहीं रखते हुए, समस्त भूतों को भूत भर्ती सर्वभृत सबको भरण पोषण करने वाला असंग है, असंग ही अयम पुरुष, परंतु समस्त पदार्थ के आधार स्वरूप है, सबको भरण पोषण करने वाला है, अपने आप निर्गुण है परंतु असत्य वाले तम गुण को अभिव्यक्त करने वही मुख कम करते हैं। इसे बोलते हैं निर्गुण गुण भोक्तृच, गुण को भोग करने वाला अथवा गुण को अभिव्यक्त करने वाला भी वही है, वही है, तो क्या हो गया सत्य आदि गुण के पालक वही है। तो ये जो पहले यहाँ पे बोल करके आया कि समस्त हाथ पैर वाला वही है, तो आप आगे क्या बोलते उसका निषेध कर देते हैं, वो अपने आप इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों को व्यापार में मदद मात्र करते हैं विद्यमान मात्र से, परंतु अपने आप इंद्रियों से रहित है। बिजली बल्ब वाला होता कि नहीं होता, बिजली बल्ब वाला है कि नहीं है, नहीं है, बल्ब वाला का बिजली अलग है, परंतु बिजली की विद्यमानता से बिजली बल्ब प्रकाश देते हैं, बिजली के बिना नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार आत्मा स्वयं इंद्रियों वाला नहीं है, परंतु इंद्रियों के साथ कोई संबंध भी नहीं है, परंतु क्या होता है कि जो है उस रहने के कारण ही इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रकाश कर पाते हैं। ये दृष्टांत अपने आप सब केवल दृष्टांत, इतना जगह पे भिन्नता है, बिजली के साथ उस तार के माध्यम से इसका कुछ संबंध होता है, परंतु यहाँ पे कुछ संबंध नहीं हुए, इतना दृष्टांत भिन्नता है। इसलिए ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, अशक्तम सर्वभृत् चैव, असंग होते हुए भी समस्त पदार्थों का भरण पोषण करने वाले हैं, और निर्गुण होते हुए भी समस्त गुणों का पालक है, समस्त गुणों का पालक है। ये अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं परमार्थतः सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, पारमार्थिक दृष्टि से समस्त इंद्रिय से रहित है वो, तन माया सर्व इंद्रिय गुणाभाषम, परंतु उस माया शक्ति से ही समस्त इंद्रियों का गुणों का प्रकाशक है।
सर्व इंद्रिय गुणाभास, तो बोल रहे देखिए सर्वेशम, सर्वेशम आपके पास कितने प्रकार की इंद्रिय है, एक बहिष्करण एक अंतकरण। बहिष्करण में कौन कौन आएगा, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय होगा बहिष्करण, और अंतकरण में चाह रहा था हमारा मन बुद्धि चित्तांग का। ये बोलते हैं देखो सर्वेशम बहिष्करणानाम, बहिष्करण माने श्रोत्रादीनाम, ये हो गया, और अंतकरणश्च अंतकरण उसका भी अंतर बुद्धि मनसयो बुद्धि मेन्दुन का गुण ही अध्यावशाय संकल्प श्रवण वचन आदि भी उनका गुण क्या है, बुद्धि का काम क्या है निश्चय करना, मन का काम क्या है संकल्प विकल्प करना, दर्शन इंद्रियों का काम क्या है देखना, ये जो अपने अपना गुण है इसलिए बोलते हैं बुद्धि मनसो और बुद्धि गुण ही गुण की गुणों के द्वारा, मतलब गुण क्या है एक का हो गया अध्यावशय मतलब निश्चय करना संकल्प करना मन का काम हो गया, श्रोतेन्द्रियों का काम हो गया श्रवण करना, ये ज्ञानेन्द्रियों को बोलते हैं, और वागेन्द्रियों कर्मेंद्रियों को बोलते हैं वचनादि भी उन उन इंद्रियों को, तब तक विषय रूपतया उस इंद्रियों का जो जो विषय है उस विषय के रूप में अवभाषयते इव उसको वो प्रकाशित करता है, जैसे अवभाषते इव सर्वे इंद्रिय व्यापार ही व्याप्त, उसको क्या लगता है जैसे मैं समस्त इंद्रियों के व्यापार के द्वारा मैं ही व्यापार कर रहा हूँ, हमें क्या लगता है समस्त इंद्रियों के व्यापार के द्वारा मैं ही व्यापार कर रहा हूँ, परंतु तो आत्मा में व्यापार नहीं है, कुछ इंद्रियों में ही व्यापार है आत्मा में कोई व्यापार नहीं, इसे बोलते हैं सर्वे इंद्रिय व्यापारी व्यापृतम इव, है ना, वो व्यापार करते हैं जैसा तब ज्ञेय ब्रह्म व्यापार कर रहा है जैसा प्रति, इसलिए वेदानुसूति क्या बोलते हैं सद ही स्वप्न भूत्व बुद्धि के साथ एक होकर के ध्यायति लीलायति इव, मैं ध्यान करता हूँ बोलने में अच्छा भी लगता है और मैं चेष्टा करता हूँ ये भी अच्छा लगता है, परंतु आत्मा तो ना ध्यान करते हैं ना कुछ चेष्टा करते हैं, बुद्धि के साथ एक होकर के बुद्धि थोड़ा स्थिर हुई इधर उधर भागना भागा दौड़ी थोड़ा कम कर दिया तो मैं ध्यान करता हूँ, चित्तवृत्ति थोड़ा रुक गया तो मैं ध्यान करता हूँ, अचित्तवृत्ति थोड़ा हिलडुल गया तो मैं चेष्टा करता हूँ, मैं ये करता हूँ यो करता हूँ, ये सब बोलते रहते हैं, इसलिए ध्यायते इव इति श्रुते है वृदान श्रुते है ये। अब तो यहाँ पे ध्यान से क्या अभिप्राय, अत्र ध्यान बुद्धि इंद्रिय व्यापार उपलक्षण, यहाँ पे ध्यान से क्या बुद्धि इंद्रिय के व्यापार को मन में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ध्यान शब्द को प्रयोग किया गया, लेलायनम मतलब चलनम कर्मेंद्रिय व्यापार उपलक्षण, समस्त ज्ञानेन्द्रियों का और समस्त कर्मेंद्रियों का व्यापार को समझाने के लिए यहाँ पे ध्यायतीव लेलायतीव ऐसे शब्द प्रयोग किया है, ध्यायतीव मतलब बुद्धि इंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियों को मन में रखते हुए ये शब्द प्रयोग किया, और लेलायतीव मतलब कर्मेंद्रियों को ध्यान में रखते ये शब्द प्रयोग किया, लेलायनम मतलब चलनम कर्मेंद्रिय व्यापार उपलक्षणम तथा परमार्थत अशक्तम, फल तो क्या हो गया पारमार्थिक दृष्टि से सर्वथा असंग है, सर्व अज असंग मतलब सर्व संबंध सुन्नम, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता सुन्नम एव, वहाँ पे सर्वे यहाँ पे सर्वे सर्वेन्द्र विवर्जित अशक्तम सर्वभिज्जैव, वहाँ पे एव का है ना, इसीलिए असंगम अशक्तम एव निराशक्त होते हुए ही कि यहाँ पे परमार्थ तो अशक्तम मतलब सर्व संबंध सुन्नम एव माया सर्वभिच्च, देखिए ये जो भिन्न यही सांख्य दर्शन के साथ हमारा भिन्नता है, वो प्रकृति को सत्य माना और हम यहाँ पे माया माना वो पारमार्थिक नहीं है, इसलिए माया के द्वारा सर्वभिद वो समस्त भूतों को भरण पोषण करने वाला है, सदात्मना सर्वम कल्पितम है ना, सत सत के ऊपर ही सर्व रूप में सदात्मना क्यों बोल रहे है के रूप के माध्यम से सारा वस्तु कल्पित है, वहाँ सांप है वहाँ सांप है वहाँ पे पानी है चलो पी के आते हैं, वहाँ पे देखो एक रजत पड़ा हुआ है, ये सदात्मना मतलब है रूप में ये प्रकाशित होते हैं, तो अधिष्ठान का कुछ धर्म तो अध्यारोप में ही आता है, अधिष्ठान की अस्तित्व और उसकी स्फूर्ति वो अध्यारोपित वस्तु में आ जाता है, इसका धर्म ये संसर्ग अर्था स्फूर्ति है, हमने कई बार कहा इस चीज को, एक होता है संसर्ग अर्था एक होता है स्वरूप अर्था, ठीक है ना, आरोपित वस्तु का संसर्गार्थस भी होता है स्वरूपार्थस भी होता है, अधिष्ठान में आरोपित वस्तु का स्वरूपार्थस भी होता है संसर्गार्थस भी होता है, परंतु अधिष्ठान का आरोपित वस्तु में केवल मात्र संसर्ग अभ्यास होता है, स्वरूपार्थस नहीं होता, नवमित हो जाता है,
इसलिए वो जो रज्जु की अस्तित्व सत्ता और स्मृति वो सर्व के ऊपर आरोपित होता है। इसलिए बोलता है सदात्मना सर्वम कल्पितम, सद रूप में हर वस्तु यहाँ पे कल्पित है, धारयति पोषयति च, सबको धारण करते हैं पालन करते हैं, सर्ववृत्त सबको भरण पोषण करते हैं, निरअधिष्ठान भ्रम अधिकम। ऐसा क्यों लगता है? बोलते हैं कहीं भी भ्रांति होती है ना, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं। यहाँ भी जो हमारा वो प्रसंग चल रहा है मानव कालिका में बाह्यस्तित्ववादी बौद्ध और एक होता है विज्ञानवादी बौद्ध। बाह्यस्तित्ववादी वो लोग बाहर वस्तु को अस्तित्व मानते हैं और वो बोलते हैं विज्ञान के साथ बाहरी वस्तु का संबंध होता है, तो इसलिए विज्ञान में इतना भिन्नता भी होती है, विज्ञान में इतना भिन्न घट ज्ञान पट ज्ञान मन ज्ञान अलग अलग होते हैं, ये उनके मानना था। विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं नहीं, बाहर कोई वस्तु नहीं है, विज्ञान ही उस वस्तु रूप में आपके सामने प्रतीत हो रहा है। यदि ये वस्तु अलग है, ये हाथ अलग है, इसके साथ इसका संबंध है, इसी प्रकार बाहरी वस्तु है और ज्ञान है वृत्ति जाकर उसको स्पर्श करते ही बाह्य अस्तित्ववादी कहना चाहते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं नहीं नहीं, ये कोई वस्तु अलग नहीं है, विज्ञान ही उस वस्तु रूप में अपने विज्ञान के स्वभाव है, वो क्या होता है उस वस्तु रूप में प्रतीति होती है, उस वस्तु में प्रतीति होती है और उस वस्तु उत्पन्न हुआ जैसा दिखाई पड़ता है, ये उनकी मान्यता है, बौद्धवादी की मान्यता है। और इसी उनकी इस युक्ति को ही आधार करके वेदांति उनको तुम्हारे विज्ञान विषय क्योंकि तुम बोलते हो जो वस्तु की उत्पत्ति होती है वो कोई पदार्थ नहीं है, वो कल्पना मात्र है। अब तुम अपने विज्ञान को क्षणिक उत्पत्ति मानते हो, नाश मानते हो, इसके लिए यानी कि ये भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, तुम्हारे सिद्धांत सिद्ध होता है, तुमने बोला इसलिए इसलिए कोई एक निरधिष्ठान भ्रांति मानते हैं और हम एक अधिष्ठान भ्रांति मानते हैं और उसको निषेध करने पर शून्यवाद में पहुंच गया। समझ मतलब समझ में तो आया पर ठीक से व्याख्यान नहीं कर पाए, ये हम कभी भी हम वेदांत शून्यवाद को नहीं मानते हैं। अब हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये अलग बात है, परंतु जो नहीं समझ रहा है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, वो वहां पे है कि नहीं है? जिस व्यक्ति कुछ नहीं है, जिसने कहा जिसको ये समझ में आया ज्ञान के बाद कुछ नहीं है, कौन है वो? समझने वाला स्वयं है। इस चीज को बौद्ध दर्शन में बौद्ध गलती को ये नहीं बोल रहा हूँ, उनके व्याख्यान कारण इसको अलग समझ निरअधिष्ठान भ्रम अजगात। कोई ना कोई वस्तु पड़ा नहीं होगा तो आपको भ्रांति होगा ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या होगा, कुछ कुछ है आपको समझ में तभी जाकर के भ्रांति, किसी भी जगह पे किसी भी भ्रांति स्थल में आप देखना कुछ हुआ है उसको ठीक से ग्रहण नहीं हुआ तब जाके अन्यथा ग्रहण होता है, उसको भिन्न रूप में ग्रहण हो जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं है तब आपको भ्रांति हो पाएगी, कुछ हुआ तब जाकर के वहां पे अन्यथा ग्रहण होता है। निर्प्रतिष्ठान भ्रम आयोगा तथा परमार्थ, इसके फलस्वरूप क्या होगा, पारमार्थिक दृष्टि से निर्गुणम वो अपने आप में गुण रहित होते हुए भी निर्गुणम निष्क्रियम नित्यम निरबंधम निरंजनम, ठीक है ना, ये वैसा स्वरूप मिलता है सत्य रज तम गुण रहित है, निर्गुणम मतलब वो सत्य रज तम गुण वाला नहीं है, नहीं होते हुए भी गुण भोक्तृच, परंतु उस चेतन तत्व के रहने के कारण ही ये जो सत्य रज तम गुण के माध्यम जो शब्द स्वरूप प्रकाशित होता है उससे हम कभी खुशी भी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं, कभी क्रोधित भी होते हैं, वो गुण का अभिव्यक्ति होते हैं। हमारे शरीर के अंदर इस समय क्या गुण काम कर रहे हैं वो कौन जानेगा, आप रहने के कारण बुद्धि जान पाती है। इस समय सप्तगुण काम कर रहे हैं कि रजोगुण काम करके तमो गुण काम कर रहे हैं, आत्मा में गुण नहीं है परंतु हमारी वृत्तियों में कौन सा गुण, बुद्धि वृत्ति में सप्तगुण काम कर रहा है इस समय, क्यों, तभी हम यहाँ पे पठन पाठन में बुद्धि को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, और शरीर वृत्ति में इंद्रियों में रजो वृत्ति काम कर रहे हैं, तभी व्यापार कर रहे हैं और शरीर में तम वृत्ति काम करते, इसलिए जगह स्थिर बैठा हुआ है। देखिए तीनों गुण एक साथ काम करके हमको मदद करें, परंतु सत्य गुण की अधिकता है, सत्य गुण की अधिकता है तभी उस वस्तु को समझने का प्रयास करके समझ लेता है। तो ये जो है इस प्रकार से
ये गुणों की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होता है, इसको आप समझ रहे हैं, ये जिसके कारण समझ पाते हैं, जो वो अपने आप में निर्गुण है, वो अपने आप में निर्गुण है, फल इस प्रकार गुण का अभिव्यक्ति को समझने में मदद करता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि सत्य रजतम गुण रहितम एव गुण भोक्तृच, मतलब सत्य रजतमसा सत्य गुण रजगुतम गुण शब्दादि द्वारा, शब्दादि को माध्यम बना, मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध को माध्यम बना करके सुख दुख मोह कारेणा, सत्य गुण मतलब आपको सुख हुआ तो सत्य गुण का अभिव्यक्ति हुआ, दुख हुआ तो रजगुण की, और मोह आप समझ में नहीं आया कुछ तमोगुण का अभिव्यक्ति से, यही कारण इसे होता है सुख दुख मोह कारेणा परिणताना भोक्तृ उपलब्धि च, है ना, वो भोक्ता है उसको उपलब्ध है तद ज्ञेय, वो जो जिसके कारण से हो पाता है वो ब्रह्म ज्ञेय है। समस्त ज्ञेय ब्रह्म के बारे में समझने के लिए आप इस प्रकार से इस शरीर में रहते रहते उस अपने स्वरूप को समझने के लिए यही उपाय है, इसके रहने के कारण ये हो पाता है। इससे दो चीज हो जाएगा, क्या लाभ होगा, सारा जगत आपके सामने दृश्य में आप प्रतिमा जाएगा। आप जिस प्रकार मान लीजिए उस दृश्य है फोटो, उसका शीशा टूट गया, हमें चोट आएगा कि नहीं आएगा, यदि आप पकड़े पता लगा पर, इसी प्रकार से यदि इस शरीर में भी आपको ऐसा दृश्य बुद्धि हो जाता है तब क्या हो जाएगा, शरीर का कोई चोट आपको स्पर्श नहीं करेगा। चोट मतलब चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी आप स्पर्श, ऐसा दृश्य रहेगा आपके सामने, दृश्य जैसा हो जाएगा। ये यहाँ पे अभिप्राय यही रहता है, ये सारी चीज को देखना सीखिए आप, तब क्या हो जाएगा, वो दृश्य कोटि में आ जाएगा, मैं इसको देख रहा हूँ अहंकार तक आप देख सकते हैं, अहंकार में क्या विकार उत्पन्न वो भी आप देख सकते हैं, ये दृश्य है। यद्यपि उस दृश्य इस प्रकार वो दृश्य है, मैं दृष्ट समझ में आ रहा है ना, वो दृश्य मैं दृष्ट हूँ, आपका शरीर दृश्य है और ये शरीर दृष्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने अहंकार को देखो, आप अपने अहंकार तक देखने का कोशिश करो, उस समय दृष्ट समझ में नहीं आएगा, परंतु हम पहले देख लिया, यदि दृश्य समझ में आता है तो कोई ना कोई दृष्टा होगा, दृष्टा के बिना दृश्य समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दृष्टा कभी भी विषय नहीं बनेगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, अपने अहंकार तक को भी यदि आप धीरे 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 अनुभव करने का कोशिश करते हैं, वो जो अनुभव करता है उसको अहंकार के परिचिन्नों में बताया अहंकार, जब मन को अहंकार को समझने वाला आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु उस अहंकार को हमने दृश्य को समझने के लिए कोई ना कोई दृष्टा चाहिए, यह हमारा व्यक्ति है, दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होता। तब जो अहंकार भी होता परिच्छिन्नता में आत्मबुद्धि को भी आप दृश्य बना देंगे, तो हम आपको अपरिच्छिन्नता तो समझ में आएगा, अनुभव में आएगा, विषय रूप में नहीं आएगा। ये वेदांत मत आत्मतत्व को अनुभव करने के लिए यही प्रक्रिया, जितना अंतर्मुख होगा उसको ध्यान देने लगेंगे वो अभिव्यक्त होने लग जाता है। अच्छा यह यहाँ तक हो गया, भूतानाम आगे आगे का श्लोक उसी को बोलते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम बहिरंतश्च भूतानाम मचरम चरमेव च मचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिकेचत दूरस्थं चान्तिकेचत बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिकेचत तत् मतलब तत् ब्रह्म, वो क्या है, भूतानाम समस्त भूतों का, है ना, भवन्ति इति भूता जो उत्पन्न होता है डरे उसको भूत बोलते हैं। तो तत् वो अन्य कर तत् भूतानाम समस्त भूतों का तत् मतलब तत् ब्रह्म व्यापक जिसका क्या है प्रतिपादन करना चाहते हो, वही अंतश्च वो समस्त भूतों के अंदर भी है बाहर भी है, वही अंतश्च अचरम चरम च, और जो भूत है भूत कैसा है, कुछ चर कुछ स्थावर कुछ जन्म, स्थावर जन्म समस्त भूतों के वो अंदर भी है बाहर भी है चरम अचर बचा, परंतु यदि समस्त भूतों के अंदर वो वस्तु है तो हमको समझ में क्यों नहीं आता, पकड़ में क्यों नहीं आता, बार बार यही बोल रहे हैं
समस्त जड़ के अंदर चेतन तत्व घुसा हुआ है, हमको समझ में क्यों नहीं आता? वो तो समझाने का कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु क्या है, हमारी अभ्यास बनी हुई है। क्या अभ्यास बनी हुई है? मैं विषय रूप में पकड़ू उसको, वो नहीं हो पाता है, उसे लगता है कि वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगी, वो विषय रूप में आता ही नहीं हो, परंतु समझ में आ जाएगा। इसलिए होता है क्योंकि सुख वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्मत्वात् मतलब परमाणु जितना सूक्ष्म है, जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, जितना सूक्ष्मतम कणा हो सकते हैं, उस सूक्ष्मतम कणा के सूक्ष्मतम बोलना हो, उस सूक्ष्मतम कणा के अंदर रहकर उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कौन किया? उससे भी सूक्ष्म होने के कारण वो सूक्ष्म तत्व उसको देख नहीं पाता। जिस प्रकार देखिए कि आंख के आप जितना नजदीक आ जाएगा, आंख के अंदर की वस्तु को आप देख नहीं पाते, बात तो इसलिए सब के अंदर बाहर भी है, बाहर भी तो सबसे सन्निकृष्ट होने के कारण उसको जैसे नहीं देख पाते हैं, इतना इसलिए बंधु दूर में सूक्ष्मत्व तब अभिज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो विषय रूप में समझ में नहीं आता। दूरस्थम अंत के च, दूरस्थ क्यों है? क्योंकि जिसको सबसे नस्तिक है, सबसे अंतरतम है, परंतु जब तक उसके तरफ दृष्टि नहीं जाता, भगवान कहाँ है, भगवान तो कोई मतलब कहीं कहीं होगा, कहीं लोक में होगा भगवान, तो परंतु वो वही तत्व तो व्यापक है, वो यहाँ भी बैठा हुआ है, ये जब तक समझ में नहीं आता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं वर्ष कोटि शतेर प्राप्तत्वात्, मतलब कोटि कोटि वर्ष तक आप चलते जाओगे फिर भी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसको दूर में रहोगे, मानोगे तो वो आपसे दूर ही चलता रहे। परंतु अंति की इच्छा यदि आप अंतर्मुखी करते हैं तो सबसे अंतरतम वस्तु वही है, ये बोलते हैं। इसलिए दूरस्थम च अंति की इच्छा, वो दूर में भी स्थित है, अंतिम में भी स्थित है, वो भी बाहर भी है अंदर भी है, विराज करते रहते हैं। इसको पर देखिए भूतानाम, भूतानाम शब्द अर्थ क्या लिखा है? भवन धर्माना, मतलब उत्पन्न होना जिसका स्वभाव है। सर्वेशा कार्याना कल्पित नाम, नाम कल्पितम अधिष्ठानम, अधिष्ठानम एकम एव बहिश्च अंत वही अंतस्य रज्जुर इव सकल्पितानाम सर्वात्मना व्यापकम इति अर्थ। ये बहिरंतश्च भूतानाम, तो पहले भूतानाम को लिया, भूतानाम मतलब भवन धर्मानाम, भवन धर्म कौन कौन है वहाँ पे बोला चरम अचरम, तो सर्वेशम कार्यनाम, जो भी कार्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो भी कार्य आपको जाता है वो कैसा है, वो कल्पितानाम, वो कल्पित है, परंतु कल्पित वस्तु का अधिष्ठान अकल्पित है, इसीलिए कल्पितानाम अकल्पित अधिष्ठानम। बड़ी विचित्र बात है, आपने किसका ऊपर कल्पना किया? उस रज्जु को ही अपने स्वर्ग रूप में कल्पना, दृष्टांत से इतना भाग को देखना क्या है, दृष्टांत में हम रज्जु सर्प भ्रांति स्थल में कोई वस्तु हमको दिखाई पड़ती है, परंतु यहाँ पे आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, तो भ्रांति कैसे होगी, वहां पर भ्रांति कैसे होगा? आपने क्या कहा, निरधिष्ठान भ्रांति होना संभव नहीं है, ये अध्यास भाष्य में आया हुआ है, स्पष्ट कर ये जो आप बोल रहे हो इधर, तो आपको अधिष्ठान तक तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आत्मा पर इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा। तब भगवान भाष्यकार बोलते हैं केवल मात्र सामने अवस्थित वस्तु के ऊपर हम अभ्यास करते, ये बात नहीं है। आकाश आपको दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? आकाश वही तो गड़बड़ हो गया मामला, आकाश इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, परंतु तो आकाश में हम ऊपर हम नील रंग और कटाहकार की कल्पना करते हैं, आकाश इंद्रियगम्य वस्तु नहीं है, अतिंद्रिय वस्तु है, परंतु तो आकाश के ऊपर हम नील रंग और कटाहकार गोलाकार स्फेरिकल इसकी कल्पना करते हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, किंतु विषय का वस्तु ये बात नहीं है, क्योंकि मैं करके व्यवहार करता हूँ, मैं करके व्यवहार करते हुए शरीर इंद्रियों का उसके ऊपर आरोप कर देते हैं, क्योंकि मैं वास्तविक वो नहीं जानता हूँ, मैं हूँ मैं जानता हूँ, परंतु मैं क्या हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं क्या बोला, मैं मनुष्य हूँ ये आरोप कर दिया। इस प्रकार से अध्यारोप होता है, इस प्रकार से आरोप होता है। यहाँ पे बोलते हैं कि इसलिए देखिए मतलब कल्पित वस्तु का अधिष्ठान अकल्पित है, कल्पित
विचित्र लगता है, मतलब व्याघात दोष जैसा लगता है। हमने कल्पना किसको पर की? पास कल्पना अपने संस्कार से। वो सर्प कहाँ पे है? बुद्धि में है। ये रज्जु को देख करके ये दोनों का संबंध हो गया। वो है आध्यासिक तादात्म्य संबंध, परंतु थोड़े प्रभाकर बोलते हैं तो हमें कोई संबंध हो नहीं सकता है, मतलब अलग अलग बैठा हुआ। इसीलिए यहाँ पे होता है कल्पितानाम अकल्पितम अधिष्ठानम, समस्त कल्पित वस्तु का एक अकल्पित अधिष्ठान होता है। एकम एव, वो एक ही है, वही एक ही हो, अंदर और बाहर दोनों जगह पे वही विद्यमान बहिष्ठ। जैसे रज्जु इव स्वकल्पितानाम, जैसे रज्जु के ऊपर आपके पुस्तक में सर्वस्वकल्पित लिखा ना, अपने ही कल्पित जो रज्जु है उसके ऊपर सर्वात्मना व्यापक, उस रज्जु को पूर्ण रूप से व्याप्त करके वो सर्प, वो विद्यमान सर्प को पूर्ण रूप से व्याप्त करके वो रज्जु विद्यमान रहते हैं। रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है ये बात नहीं है, रज्जु ही सर्प रूप में दिखाई दे रहा है, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे रहा है ये बात नहीं है, रज्जु ही सर्प रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो मतलब बालू के ऊपर पानी दिखाई दे, ये बात नहीं है, बालू ही पानी रूप में दिखाई पड़ती है। इसीलिए आप बोलते हैं जिस प्रकार वो बालू का पूरा के पूरा पानी को व्याप्त करते हुए विद्यमान है ना, पानी कल्पित है, बालू का कल्पित नहीं है। इसी प्रकार अधिष्ठान रज्जु जो है वो अकल्पित है और उसके ऊपर सर्प कल्पित है, परंतु सर्प को पूर्ण रूप से व्याप्त करते हुए, क्योंकि वो सर्प की लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी है वो रज्जु का ही है, वो इसलिए रज्जु उसको पूर्ण व्याप्त करके विद्यमान है। रज्जु इव सकल्पितानां सर्वात्मना व्यापकम् इति अर्थ। अतएव अचरम स्थावरम च, अचर मतलब स्थावरम च, जंगम भूत जातम तदेव अधिष्ठानात्मकत्वात्, उन सभी का स्थावर जंगम समस्त भूतों का, समस्त भूत समूह का वही ब्रह्म अधिष्ठान रूप होने के कारण भूत सबको व्याप्त करके विद्यमान है। कल्पितानां न तत् किंचित् व्यतिरिच्यते इति अर्थ, कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। यदि इसके ऊपर ये हाथ रखा हो कि हाथ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु इसी के ऊपर कल्पित सर्प इसके ऊपर आगे पीछे नहीं हो सकता है, समझ पा रहे हैं। जिसके ऊपर हाथ रखा हुआ है तो इसलिए तो आगे पीछे, परंतु इसी के ऊपर कल्पित सर्प वो थोड़ा आगे पीछे होगा नहीं होता, तब रज्जु भी हिलना पड़ेगा, तब रज्जु को हिलना पड़ेगा, पर दो तो होना संभव नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं कल्पितानां न तथा किंचित् व्यतिरिच्यते, उससे अलग करके कल्पित वस्तु अधिष्ठान को थोड़ा सा भी हिल उड़ नहीं सकता, इसलिए कल्पित होता है। एवं सर्वात्मकत्वे अपि सूक्ष्मत्वा रूपादिहीनत्वा तद, अब इस प्रकार सभी का स्वरूपभूत होकर के विद्यमान रहने पर भी वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित होने के कारण वो जो है अविज्ञ ही रह जाता है। इंद्रियों तो केवल उसी को ही जान पाते हैं, इसीलिए बोलते हैं सूक्ष्मत्वा रूपादिहीनत्वा तद अविज्ञेयम् इदम् एवम् इति स्पष्ट ज्ञानार्थम् न भवति, स्पष्ट ज्ञान अर्थम न भवति, ठीक है ना। ये स्पष्ट ज्ञान का विषय कभी नहीं बनता कि ये वस्तु ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म है। और दूसरा क्या है, हम पांच ही वस्तु को हम जान सकते हैं और उस अथवा उसका मिला हुआ वस्तु को शब्द स्पर्श रूप रस गंध बंधे उससे रहित है, इसलिए हम उसको नहीं जान पाते, विषय नहीं जानते, ठीक है। नहीं इस बार अष्टमी के दिन छुट्टी नहीं रखेंगे, पहले ही मन को तैयार कर रखना, 14 तारीख अष्टमी है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो है, फिर बंद हो जाएगा। इसलिए 2 महीना छुट्टी तो ले लिया, 2 महीना छुट्टी होगा, फिर आगे होने जा रहा है, इसलिए है अष्टमी, पहले से मतलब मांग रखें, छुट्टी का हाथ हो गया, पूर्णेन्द्र
में श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।